मैं चिकन बच्चों के लिए नूडल्स बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चले आपके सामने भी काट लूँ। ये ब्रेस्ट पीस है तो इसके मैं क्यूब्स की शक्ल काट लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी, फ्राई करूँगी आपके सामने हर चीज़। तो ये ब्रेस्ट फिल है, इसको आप बारीक बारीक छोटे छोटे क्यूब्स काट लें। सबने कहा था कि कैसे बनाती हैं आप पैरी पैरी, तो ये मैंने कहा आपके सामने बना के तो बच्चों के मैक्रोनी में डालूं। झटपट मैक्रोनी 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। अभी तो नीट नीट काटते जाएं। चलें जी, मिलते हैं आपसे। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने दो ब्रेस्ट के पीस आपके सामने काटे थे। तो ये फिर कैबेज लिया है मैंने, थोड़ी सी है ये, कैरेट्स हैं, एक मैंने वो लिया है ये पोटैटो और एंड कैप्सिकम है, एंड फिर ये वाली मैं बनाने लगी हूँ। तो हालांकि मुझे इसे स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इसको बनाने लगी हूँ। ठीक है, लेट्स सी। डालती है मैं, ये बॉयल होने के लिए रखती है। इसमें ऑयल डालूंगी और इसको मैं ज़रा चिकन को ज़रा पैरी पैरी सा बना लूंगी। ये थोड़ा सा मैंने लहसुन का पीस डाला है, धो ले फिर दोबारा से। ये लहसुन को मैं ना थोड़ा सा धो ले ताकि ना थोड़ा सा लाल हो गया। तो इसमें हम ना थोड़ा सा ये चिकन का जो पीस काटा था, इसमें मैं अब नमक लाल और काली मिर्च डालूंगी। तो थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर डालूंगी। ये 2 मिनटों में बन जाते हैं, तो डालना और थोड़ा सा फ्राई करना है। नमक और काली मिर्च डालिए, फिर ये बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, ताकि ना ये पोटैटो भी फौरन ना गल जाए और इसे साथ में अच्छे ना करना पड़ेगा। नमक काली मिर्च हर कुछ नहीं डाला मैंने, जस्ट मैंने लहसुन को किया रेड। बाकी सब्जियां तो 2 मिनट में हो जाएंगी और सब्जी अगर आप पक लें 5 मिनट में इसको दम देती हूँ तो ये पक जाएंगी। तो मिलते हैं आपको। ये डाला शिमला मिर्च क्योंकि रेडी हो गए। ये कैरेट डाली, दम मिर्च मिक्स किया। इसके मैं सिर्फ और चिल्ली सॉस डालूंगी, टू माई टेस्टी, बिल्कुल चाइनीज टाइप बना रही हूँ मैं। बड़ी किस्मों की बनाती हूँ, अभी फिलहाल मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। टू टेस्टी और फिर वो बॉयल हो जाएगी। ये 2 मिनटों में और चाइनीज सॉल्ट भी थोड़ा सा मैं डालूंगी, एक चम्मच डालूंगी क्योंकि इससे बहुत हल्का वहाँ पर बड़ा वाइट रंग का इसी तरह का चुनेला। ये भी एक विनेगर डालूं, देन वी विल मिक्स इट। झटपट
मशरूम रेडी कर लिए, बहुत टेस्टी मशरूम है। मुझे काली मिर्च बहुत पसंद करते हैं, लाल मिर्च नहीं डाली, जस्ट सिंपल अच्छा के लिए। आता चलो मशरूम हो गया रेडी टू ईट।